Hi, this is Prerna Dave and you're watching Guju Girl. Welcome back to my channel. तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। इस कहावत को वैसे बहुत से लोगों ने सच कर दिखाया है और उनमें से ही एक नाम है सब्यसाची मुखर्जी, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर पूरी की पूरी फैशन इंडस्ट्री को लोहा मनवा दिया है। और आज बॉलीवुड तो उन्हें जानता ही है, एक नॉर्मल इंसान भी उन्हें जानता है और हॉलीवुड ही उन्हें जानते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी, जो कि मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगने वाली है और आप उसे बहुत रिलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्यसाची कोलकाता की मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे। सब्यसाची के माता पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो फैशन डिजाइनिंग को अपना करियर चुने। सब्यसाची की माँ एक गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में काम किया करती थी। शायद उन्हीं की वजह से सब्या के अंदर इतना हुनर आया है, जो कि शायद उन्हें अपनी माँ से मिला है। जब सब्यसाची महज 15 साल के थे, तब उनके पिताजी की नौकरी चली गई और सब्या निफ्ट में एडमिशन भी लेना चाहते थे, पर उनके माता पिता नहीं माने, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस वजह से उनके माता पिता नहीं माने। तब भी सब्या ने हार नहीं मानी और अपनी बुक्स बेचकर एडमिशन फॉर्म लिया और एग्ज़ाम भी पास किया। 1999 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इन्होंने वर्कशॉप ओपन की सिर्फ 20,000 रुपये के साथ, तीन लोगों के साथ मिलकर। और 20,000 वो थे जो उन्होंने अपनी बहन से उधार लिए थे। तो सोचिए उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है यहाँ तक आने में। देखते कुछ साल बाद फैशन इंडस्ट्री में इनके काम की हद से ज़्यादा तारीफ होने लगी और 2001 में सब्यसाची को फेमिना ब्रिटिश काउंसिल्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग यंग डिज़ाइनर ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला, जिसने इनके लिए लंदन जाने के रास्तों को पूरी तरीके से खोल दिया। और वहाँ उन्होंने इंटर्नशिप की एक बहुत बड़े फैशन ब्रांड के साथ। जब सब्या लंदन से इंडिया लौटे, उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे। मतलब एक तरह से वो लंदन से पूरे के पूरे आइडियाज़ लेकर लौट रहे थे। तो सब्या ने इंडिया आते ही सारे बड़े स्टोर से रिटेलिंग शुरू कर दी। 2002 में सब्या ने इंडिया फैशन वीक में पार्टिसिपेट किया, जहां उन्हें प्रेस की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और इसके बाद सब्या की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। अब सब्यसाची का नाम ही एक ब्रांड बन चुका था। हर किसी का ड्रीम होता है कि उसका नाम एक ब्रांड बने, और सब्या ने ये सच कर दिखाया था। अपना नाम ही उन्होंने ब्रांड बना लिया एक। सब्या ने बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए। अब सब्यसाची का क्रेज़ पूरे बॉलीवुड में भी छा चुका था। अब बॉलीवुड हीरोइंस उनके बनाए हुए कपड़े पहनती थी, उनके डिज़ाइन हुए कपड़े पहनती थी, और मूवीज़ के लिए भी वो कपड़े डिज़ाइन करते थे। धीरे धीरे सब्यसाची बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। 20,000 से की हुई शुरुआत अब 109 करोड़ की हो चुकी थी और सब्यसाची की नेटवर्थ अब 109 करोड़ हो चुकी है आज की डेट में। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये अच्छी लगी और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली को इस वीडियो की ज़रूरत है, या जिसको फैशन डिज़ाइनर बनना है और उसके कुछ सपने हैं इस तरीके के, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन बना रहता है। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे सेफ।